सर पठान जिस तरह से हिट गई एंड अभी रिसेंट में सेल्फी मूवी जो है फ्लॉप हो चुकी है एंड अब एनिमल जो फिल्म आने वाली है आपको क्या लगता है कि वो हिट होगी कि नहीं? और देखिए मैं नॉर्मल तौर पे बोलूँ ना तो एक कंप्लीट वर्ड बोलूँ तो वो पिक्चर ब्लॉकबस्टर जाने वाली है, क्योंकि भैया एनिमल के डायरेक्टर संदीप वांगर रेड्डी जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी, और कबीर सिंह एक ऐसी पिक्चर थी जिसने शाहिद कपूर के डूबते करियर को, मतलब वो बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज दे रहे थे तो डूबते करियर को इन्होंने मतलब ये कबीर सिंह मूवी ने उठा दिया था रातों रात। वो मतलब स्टार तो ऑलरेडी पहले से थे, कबीर सिंह ने उनके डूबते करियर को बचाया था और उनको उनकी रातों रात डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा फैन बेस बन गया शाहिद कपूर का प्रेजेंट टाइम पे जब कबीर सिंह आए थे, ठीक है। और सभी को पता है कि कबीर सिंह गाली वाली मूवी थी, संदीप वांगर रेड्डी मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी, तो ये जो एनिमल मूवी आने वाली है टोटली कॉन्ट्रोवर्शियल है और ये पिक्चर का ब्लॉक मतलब ब्लॉकबस्टर सुपरहिट होना तय है, इसलिए तय है क्योंकि भाई देखो इसमें अनिल कपूर भी है, ठीक है, बॉबी देओल भी है और सर वो तो है ही, क्या कहते हैं, रणबीर कपूर, और उसके अलावा बहुत शानदार पिक्चर लग रही है यार मेरे को। आपको क्या लगता है, आप एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए? हाँ बिल्कुल है। देखिए ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी क्योंकि भैया इस मतलब एक मच अवेटेड फिल्म है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर बड़े बड़े झंडे गाड़ेगी और इसमें रश्मिका मंदाना होने वाली है साउथ हीरोइन, ठीक है, तो काफी टाइम के बाद, हालांकि हमने देखा है रश्मिका मंदाना का ऑलरेडी बॉलीवुड पे हो चुका है, मतलब क्या कहते हैं मतलब उनका मतलब एंट्री हो चुकी है पहले ही, मिस्टर मजनू से वो आ चुकी है, लेकिन अभी तक इसके रणबीर कपूर और इनकी केमिस्ट्री देखना बाकी है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि पिक्चर बड़े बड़े झंडे गाड़ेगी। और मेन अगर कायदे से बोलूँ, एक बार आप रणबीर कपूर को भी साइड कर दो, हर स्टार कास्ट को पूरी एक तरफ कर दो और संदीप वांगर रेड्डी को एक तरफ कर दो, तो भाई संदीप वांगर रेड्डी एक डायरेक्टर ही ऐसा मजबूत है कि जिसके बेस पे पिक्चर सुपरहिट हो जानी है, और रणबीर कपूर की जो वो है क्या कहते हैं जो आज के यूथ में फैन बेस है जो उनका मतलब जो मैंने मतलब यूज मतलब उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही तगड़ी है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पिक्चर सुपर हिट होगी। और रही बात सेल्फी मूवी की जो आपने की कि सेल्फी मूवी मतलब पठान के आने के बाद फ्लॉप हो गई है और लोगों को लग रहा था कि पठान के बाद जितनी मूवीज आएंगी सब सुपर डुपर हिट होगी, तो देखिए ये होती है अपनी अपनी वो क्या कहते हैं सोच होती है, पब्लिक तो मतलब जा ही नहीं रही थिएटर देखने सेल्फी मूवी उतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं है जितना लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं और जितना मतलब एक कम ओपनिंग की है, तो मेरे हिसाब से सेल्फी मूवी को उस तरह से न्याय नहीं मिला है। वो रिसेंटली अभी जिस तरह से मतलब 5-6 फिल्म उनकी फ्लॉप हुई अक्षय कुमार की, तो उसको देखकर लोगों को लगा कि भाई सेल्फी मूवी भी ऐसी रहती है, क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस का वो थी कॉपी मतलब रीमेक मूवी थी, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का। तो और रही बात अंतिम की यूनिक कहानी होने एनिमल, हाँ सॉरी मतलब ये क्या कहते हैं एनिमल, ठीक है, तो ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होने वाली, हालांकि हमने देखा कि जो कबीर सिंह आई थी वो भी मतलब साउथ की अर्जुन रेड्डी की रीमेक थी, ठीक है, लेकिन रीमेक होने के बाद भी उस पिक्चर ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये जो एनिमल मूवी आने वाली है तो इसका ये तो कन्फर्म नहीं हुआ कि ये रीमेक है कि नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसमें स्टार कास्ट जोड़ी गई है और तो कुल मिला के आपका ये कहना कि एनिमल मूवी सिर्फ डायरेक्टर के उस पे बल्कि मतलब वो जा सकती है। हाँ, देखिए अभी जैसे पिक्चर में आई अभी रिसेंटली रणबीर कपूर की जो पिक्चर आई है तू झूठा मैं मक्कार ऐसे कुछ करके आई है श्रद्धा कपूर से, तो उसकी गारंटी उसकी मैं ये नहीं कह सकता कि पिक्चर हिट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल सी एवरेज कहानी होने वाली है, ठीक है, लेकिन जो एनिमल मूवी आएगी सुपर बड़े बड़े झंडे गाड़ेगी, रणबीर कपूर की एक्टिंग जिस हिसाब से हमने संजू नून को देखा था और प्लस संदीप वांगर रेड्डी 100% मतलब मैं कह रहा हूँ स्टार कास्ट को आप दे दीजिए 20% और 80% क्रेडिट दीजिए आप संदीप वांगर रेड्डी को, वो बहुत ही तगड़ी मूवी बनाते हैं, उनकी डायरेक्शन में उनकी डायलॉग डिलीवरी में बहुत ज़्यादा वो होता है, तो मेरे हिसाब से तो ब्लॉकबस्टर जाएगी, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर जाएगी ये क्या कहते हैं एनिमल मूवी। जी सर।